नमस्कार मित्रों, तो चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ते और सुनते हैं उपन्यास परिणीता का तीसरा भाग, जिसे लिखा है श्री शरद चंद्र चटर्जी ने। अभी तक हमने सुना कि ललिता जो एक गरीब अनाथ बालिका है और अपने मामा के यहाँ रहकर पल रही है, उसके मामा की दशा भी कोई ठीक नहीं है। ललिता के बगल वाले घर में रहता है शेखर, जो एक बहुत ही अमीर पिता की संतान है। शेखर का ललिता पर बहुत स्नेह है, किंतु इधर ललिता अपनी सहेली चारू बाला के यहाँ जाने लगी है, जिसके मामा गिरीन्द्र वहाँ आए हुए हैं। वे ललिता के मामा की दीन दशा देखकर उसकी मदद करने का विचार करते हैं। एक दिन ललिता की छोटी बहन अन्ना काली की गुड़िया का ब्याह था, और तभी ललिता शेखर को गेंदे के फूलों की माला देने के लिए ऊपर जाती है, और फिर अचानक से शेखर के गले में वो माला पहना देती है। इसके बाद क्या होता है, सुनिए आगे। चंद्रमा की शीतल किरणों के रंग में ललिता भी विभोर थी। खड़े खड़े उसके हृदय में न जाने क्या क्या कल्पनाएं उठ रही थी। अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा था और शर्म भी। वहीं खड़े खड़े एक बार शेखर के कमरे की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर अभिमान की रेखा झलक आई और नेत्र सजल हो गए। वह अबोध बालिका ना थी, उसे इन सब बातों का पता ही ना हो, फिर इस प्रकार हंसी करने का क्या मतलब हो सकता था। उसकी दशा कितनी गिरी हुई है, वह एक अनाथ बालिका है, उसके मामा का ही एकमात्र सहारा है। फिर भी पराए लोग निरुपाय समझकर आदर करते हैं। शेखर का व्यवहार भी इसी प्रकार का है, वह मुझे निराश्रित समझकर ही स्नेह और आश्रय देता है, तथा शेखर की माँ भी अपार स्नेह करती है। दुनिया में उसका है ही कौन, किसी पर ललिता का अधिकार नहीं है, इसीलिए तो गिरीन ने उसके उद्धार का पूरा भार उठाया है। अपने नेत्र बंद किए हुए ललिता मन ही मन सोचने लगी, उसके मामा की अपेक्षा शेखर की दशा बहुत अच्छी है। उसके मामा का स्थान उसके सामने कुछ भी नहीं है, वह उसी मामा के आश्रम में है, उनके ही गले का जंजाल है। शेखर की शादी की बातचीत बराबरी में धनवान घर से चल रही है, चाहे वह अभी हो या दो चार दिन बाद, पर तय करीब करीब वही है। इस विवाह से नवीन राय को बहुत बड़ी संपदा मिलेगी, उसने ऐसा शेखर की माँ से सुना है। शेखर भैया, फिर क्यों इस प्रकार उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हैं, यह सभी बातें ललिता सूने आकाश की ओर देखकर सोच रही थी। क्षण भर में ही उसने घूम कर देखा कि शेखर उसके पीछे खड़ा हंस रहा है, और वही माला उसने एकदम से उसके गले में पहना दी। यह देखकर वह रोने लगी और बोली, ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने भी ऐसा क्यों किया था ललिता? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यह कहकर वह माला तोड़ने ही जा रही थी कि उसकी दृष्टि शेखर की दृष्टि से जा मिली और वह रुक गई। वह माला को फिर न तोड़ सकी, परंतु उसने रोते हुए कहा, मैं परेशान अभागिन तथा असहाय हूँ, इसीलिए क्या मेरा उपहास कर रहे हो शेखर भैया? शेखर अभी तक खड़ा खड़ा हंस रहा था। ललिता की यह बात सुनकर वह सन्न रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा उपहास किया है या तुमने मेरा किया है? ललिता ने अपने भीगे नेत्रों को पोंछ कर कहा, मैंने तुम्हारा उपहास कब किया? शेखर थोड़ी देर रुक कर सजग हो गया और बोला, थोड़ा सा सोचने पर समझ जाओगी, आजकल अपनी मनमानी कर रही हो, इसीलिए यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया। शेखर यह कहकर चुप हो गया। ललिता गूंगे की भांति खड़ी सुनती रही। चंद्र किरणों की रुपहली आभा में दोनों खड़े थे, लेकिन नीचे कमरे में अन्ना काली अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी। शंख ध्वनि गूंज रही थी और खामोशी भंग हो रही थी। थोड़ी देर के बाद शेखर ने कहा, अधिक ठंड पड़ने लगी है, जाओ नीचे चली जाओ। जाती हूँ, कहकर उसने शेखर के पैर छुए और प्रणाम करके बोली, मुझे ये तो बताते जाओ कि मैं अब क्या करूँगी। शेखर यह सुनकर हंस पड़ा। एक बार तो उसे भय सा प्रतीत हुआ,
पर उसने हाथ बढ़ाकर ललिता को पकड़कर हृदय से लगा लिया और उसके होठों को अपने होठों से स्पर्श करते हुए कहा, अब मुझे कुछ न बताना पड़ेगा, तुम स्वयं समझ जाओगी ललिता। शेखर के इस प्रकार के स्नेह को देखकर ललिता को रोमांच हो आया। उसने दूर जाकर कहा, तो क्या तुमने गले में माला पहना देने के कारण ही ऐसा किया? मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, नहीं ललिता, ऐसी बात नहीं, मैं तो स्वयं काफी दिनों से ऐसा करने का विचार कर रहा था, परंतु किसी तरह का निश्चय न कर पाता था। आज अब यह अंतिम निश्चय हो ही गया। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि तुम्हें त्याग कर मैं कहीं रह नहीं सकता। ललिता, परंतु तुम्हारे पिताजी यह सुनकर अवश्य क्रोध करेंगे और माताजी को भी महान कष्ट होगा। जो कुछ भी तुमने सुना है, सोचा है, वह ना हो पाएगा। शेखर ने कहा, हाँ पिताजी, यह सुनकर अवश्य आग बबूला हो जाएंगे, परंतु माताजी अवश्य हृदय से प्रसन्न होंगी। खैर, अब तो जो कुछ होना था हो गया, अब इसको खत्म कर ही कौन सकता है। जाओ, अब नीचे जाओ, माताजी को प्रणाम करो। ललिता वहां से नीचे चली गई, पर जाते समय भी वह घूम घूम कर अपने प्रियतम को देखती रही। लगभग 3 माह बाद गुरचरण बाबू मलिन मुख नवीन बाबू के यहाँ आकर फर्श पर बैठने ही वाले थे कि नवीन बाबू ने बड़े जोर से डांट कर कहा, ना ना ना, यहाँ पर नहीं, उधर उस चौकी पर जाकर बैठो, मैं इस कुछ समय में नहीं नहा धो सकता, तुमने जाति बदली है, ये सत्य है ना? क्षुब्ध होकर गुरचरण बाबू एक दूर की चौकी पर जाकर बैठे। कुछ देर वे मस्तक झुकाए बैठे रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने विधिवत ब्रह्म समाज को ग्रहण कर लिया है, अब वो ब्रह्म समाजी हो गए। ये खबर आज ही नवीन राय को मिली है। अब उन्हें बंगाली समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सामने गुरचरण बाबू को बैठे हुए देखकर नवीन राय की आंखों से गर्म लपटें निकलने लगी, परंतु गुरचरण बाबू एक अपराधी की तरह मौन बैठे रहे। किसी सलाह सूत के बिना ही वे ब्रह्म समाजी हो गए थे, परंतु उसी समय से घरेलू परेशानियां बढ़ गईं तथा रोना चिल्लाना मचा रहता था। घर का कोना कोना अशांत था। इस अशांति के कारण ही वह बड़े ही दुखी थे। नवीन राय ने फिर उद्दंड भाव से पूछा, कहो ये सत्य है ना कि तुम ब्रह्म समाजी हो गए हो? गुरचरण बाबू के नेत्र सजल थे। तुक भरे शब्दों में उन्होंने कहा, हाँ यह सत्य है। ये घृणित कार्य तुमने क्यों किया? तुम तो केवल 60 रुपए तनख्वाह पाते हो, फिर क्यों? गुस्से के मारे नवीन राय की जुबान से बोल ना निकला। रोते हुए बड़े नम्र स्वर में गुरचरण बाबू ने जवाब दिया, दादा क्या कहें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दुख में कुछ न दिखाई दिया। मैं यह न सोच सका कि गले में फांसी लगा लूं या फिर ब्रह्म समाज में मिल जाऊं। अंत में ब्रह्म समाजी हो जाना ही ठीक समझ में आया, इसीलिए मैंने ये ब्रह्म समाज स्वीकार कर लिया। नवीन राय ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत अच्छा किया, अपने गले में न फांसी न लगाकर सारे धर्म और समाज को फांसी लगा दी, वाह रे वाह। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और ये काला मुख कभी भी यहाँ ना दिखाना, जो तुम्हारे सलाहकार हैं उन्हीं के पास जाकर बैठो। यह सब सुनकर गुरुचरण बाबू वहां से चले गए, परंतु नवीन राय मारे क्रोध के कुछ भी नहीं सोच सके कि क्या करें और क्या ना करें। गुरुचरण बाबू के भी अब वहां आने की कोई संभावना ना थी। गुरुचरण बाबू पर नाराज होने, झुंझलाने तथा बकने के सिवाय नवीन राय कर ही क्या सकते थे। झट उन्होंने राज को बुलवाया और घर में आने जाने वाले ऊपर के सारे रास्ते बंद करा दिए। उस रास्ते को बंद करके उन्होंने अपने क्रोध की शांति की। बहुत दूर प्रदेश में बैठी हुई भुवनेश्वरी को यह हाल मालूम हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगी, शेखर भला ऐसा करने को किसने उन्हें समझाया? अनुमान से शेखर ने समझ लिया कि ये राय किसने दिए, परंतु वह बात न कहकर उसने कहा, माँ हो सकता था कि तुम लोग स्वयं ही उन्हें थोड़े दिन बाद अलग कर देते, समाज में उनकी छाया ही न पड़ने देते, कई कन्याओं की शादी कैसे कर सकते थे वह समय पर, आखिर इसका तो कोई रास्ता मेरी समझ नहीं आता। गर्दन हिलाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, बेटा कुछ भी काम रुका न रह जाता, ऐसी हालत में गुरचरण बाबू का पहले ही से धर्म छोड़ बैठना नादानी है या अकलमंदी। यदि घबरा कर लोग अपने धर्म को छोड़ने पर तुल जाएं, तो हजारों लोग अपना समाज धर्म छोड़ बैठे। भगवान ने पैदा किया है तो वही पालते हैं।
सब कार्य पूरा करते हैं। वही भगवान गुरुचरण बाबू की भी रक्षा करते, काम बनाते। शेखर चुप रहा। गीली आंखें पोंछकर भुवनेश्वरी ने कहा, यदि ललिता बिटिया को ही साथ ले आती तो किसी ना किसी प्रकार से उसका उपकार कर देती। हो सकता है इसी इरादे से गुरुचरण बाबू ने उसे मेरे साथ नहीं भेजा। मुझे तो यही पता था कि उसकी शादी की सचमुच तैयारी है। शेखर ने लज्जापूर्वक भुवनेश्वरी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है माँ, घर वापस चलकर इस कार्य को ऐसा ही करो ना। ललिता तो अभी ब्रह्म समाजी नहीं हुई है, केवल उसके मामा ही तो हुए हैं। उसके सगे मामा भी नहीं है, ललिता का कोई सगा नहीं है, इसी कारण तो वह उनकी शरण में पड़ी है। खूब सोच समझकर भुवनेश्वरी बोली, ये तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी अजीब ढंग के व्यक्ति हैं। वे बड़े ही हटिया आदमी हैं, किसी तरह से भी ऐसा करने को तैयार ना होंगे, शायद उन लोगों से मिलने भी ना देंगे। यही विचार शेखर के मन में भी बार बार उठ रहे थे। वह माँ की बातों का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठा सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा। शेखर अब परदेश में एक मिनट भी नहीं रहना चाहता था। बड़ी बेचैनी और परेशानी में वह दो तीन दिन इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने माँ से कहा, यहाँ पर जी नहीं लगता माँ, चलो घर चले। उसी दिन वह घर लौटने को तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता वापस आने पर दोनों ने देखा कि छत से आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। गुरुचरण बाबू से कोई भी नाता रिश्ता करना नवीन राय को भला ना लगेगा, यहाँ तक कि बोलना भी बुरा लगेगा। ये बात वे दोनों तुरंत ताड़ गए। रात के समय जब शेखर खाने बैठा तब माँ भी आकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वह बोली, गिरीन के साथ ही ललिता की शादी तय हो रही है या मैं पहले ही समझ गई थी? सिर नीचा किए हुए शेखर ने पूछा। किसने कहा? भुवनेश्वरी। उसकी मामी ही कह रही थी, और कौन कहता। दोपहर के समय जब वो सो गए थे तो मैं स्वयं मिलने गई थी। मारे दुख के उसकी मामी ने अपनी आंखें लाल कर ली। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर सब कुछ कह गई। उन्होंने ही कहा, यही तकदीर का खेल है शेखर, किसको दोषी ठहराया जाए। कुछ भी सही, पर गिरीन भी एक भला लड़का है, नम्र स्वभाव वाला है। उसके यहाँ ललिता को किसी प्रकार का कष्ट ना होगा, वह धनवान भी है। ये कहकर वह चुप हो गई। उत्तर में ना तो शेखर कुछ कह ही सका और ना सामने रखी हुई थाली से उठाकर खा ही सका। थोड़ी देर में माँ वहां से उठकर चली गई और शेखर भी बिना खाए पिए उठ गया। हाथ मुंह धोकर वह अपने बिछौने पर जा पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय शेखर टहलने निकला। उस वक्त गुरुचरण बाबू के यहाँ पहले की तरह चाय उड़ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। वहां की बातें सुनकर शेखर कुछ देर रुक गया, फिर न जाने क्या सोचकर वह धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वहां सन्नाटा छा गया। शेखर के मुख के भाव देखकर सभी लोगों के भाव बदल गए। शेखर के परदेश से आने की खबर ललिता के सिवा और किसी को न थी। आज गिरीन्द्र के सिवा एक साहब और वहां विराजमान थे। बड़े ही आश्चर्य में पड़कर वह शेखर की ओर देखने लगे। गिरीन्द्र का चेहरा गंभीरता में और भी परिणत हो गया। वह दीवार की तरफ देखने लगा। गुरुचरण बाबू ही उस समय ज्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला हो गया। उसके निकट बैठी ललिता चाय तैयार कर रही थी। उसने मुंह उठाकर देखा और नीचा कर लिया। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुकाकर नमस्कार किया और वहीं पर एक और बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, एकाएक सभी लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने धीमे स्वर में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरुचरण बाबू के विचारों को ताड़ गया, इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वह सारी कथा परदेश से वापस आने की, माँ के स्वास्थ्य की तथा अन्य तमाम बातें कहने लगा। फिर अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। गुरुचरण बाबू इस बीच काफी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के के परिचय में कहा, ये गिरीन बाबू के मित्र हैं। इन लोगों के घर एक ही स्थान पर है, बड़े ही भले आदमी है और श्याम बाजार में रहते हैं। हमारी इनसे जब से मुलाकात हुई है बेचारे आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरुचरण बाबू की बातों में अपनी सम्मति दी, परंतु मन ही मन विचार किया, हाँ देखने में नम्र आदमी लगते हैं। थोड़ी देर रुककर फिर वह गुरुचरण बाबू से बोला, काका और सब ठीक ठाक है ना? गुरुचरण बाबू ने कुछ भी नहीं कहा और सिर झुकाए चुप सुनते रहे।
अच्छा काका जी, अब चलता हूँ, यह कहकर शेखर जाने को तैयार हो गया। उसे जाता देखकर रुआंसे होकर गुरचरण बाबू ने कहा, बेटा तुमने सब बातें सुन ही ली होंगी, फिर भी कभी कभी आते रहना, एकाएक हम दुखियों को त्याग न देना। शेखर, अच्छा काका जी, कहता हुआ वह भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता को मामी के रोने की आवाज़ बैठक में सुनाई दी। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर गुरचरण बाबू के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी धोती से उन्हें पोंछ लिया। गिरिंद की मुखाकृति एक अपराधी किसी हो रही थी, वह नीरस सा बाहर की ओर देखने लगा। शेखर के जाने के पहले ललिता वहां से चली गई थी। कुछ समय के बाद शेखर उसकी मामी से बातें करके बाहर की ओर आया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेरे कमरे में दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वह भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया और उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा में खड़ी रही, फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में उसने कहा, आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? कौन सा पत्र? उसमें बहुत सी बातें थी। अच्छा, उन बातों को छोड़ो, यहाँ की सभी बातें आपने सुन ही ली हैं ना, मेरे लिए क्या हुक्म देते हो? शेखर ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरा हुक्म? मेरा हुक्म किस लिए? मेरे हुक्म से लाभ ही क्या? ललिता ने शंकित होकर कहा, क्यों? शेखर, और नहीं तो क्या, मैं किसे हुक्म दूं? ललिता, मुझको हुक्म दो, और किसको दोगे? शेखर, तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा? फिर हुक्म देने पर तुम उसको मानोगी ही क्यों? शेखर के इस कथन में करुणा मिश्रित थी। ललिता यह सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप सिसकते हुए कहा, जाने दो इन बातों को, इस समय ये मजाक अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे अब तंग मत करो, बताओ कैसे क्या होगा, मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आती। आखिर भय किस लिए? ललिता, क्या कह रहे हो, भय न लगेगा तो फिर क्या लगेगा, ना तो तुम ही यहाँ थे और ना माता जी ही थी, फिर मामा ने क्या कर डाला, वह भी तुमसे छिपा नहीं है, अब यदि माँ मुझे ना स्वीकार करे तो? थोड़े समय बाद शेखर ने कहा, वह तो ठीक ही है, अब माँ कैसे स्वीकार कर सकती हैं? उन्हें यह भी पता चला कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफ़ी पैसे लिए हैं, साथ ही अब वह ब्रह्म समाजी भी हो गए, हम लोग हिंदू हैं। अन्ना काली ने उसी वक्त आकर ललिता से कहा, मामी बुला रही हैं। ललिता ने जोर से कहा, अच्छा तू जा, मैं भी आती हूँ। फिर नम्रतापूर्वक शेखर से कहने लगी, यह कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा भी, यदि वह तुमको नहीं अलग कर सकती तो मुझे भी नहीं अलग कर सकती, इसके सिवा गिरीन बाबू के लिए हुए रुपए मैं उन्हें लौटा दूंगी, यह तो मेरे ऊपर कर्जा है, दो दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। शेखर, इतना अधिक रुपया देने के लिए कहाँ से मिलेगा? ललिता इस बात के उत्तर में काफी समय तक चुप रही, फिर हंसकर बोली, क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्त्रियों को रुपए कौन देता है, मैं भी उन्हीं से ले आऊंगी। शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी, वह फिर कहने लगा, परंतु मामा ने उन रुपयों के लिए तुम्हें तो बेच ही डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को न देख सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत ताड़ गई और बोली, यह सब झूठी व्यर्थ की बातें हैं, मेरे मामा के सदस्य भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है, तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो, उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है, तुम भले ही ना जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बातें कह डाली और फिर तनिक देर रुक कर कहने लगी, फिर वह रुपया मामा ने लिया है मेरे ब्याह के बाद, इस कारण मुझे बेचने का कोई अधिकार उन्हें कहाँ था, यदि मुझे बेचने का कोई अधिकारी है तो केवल तुम हो और कोई नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा न करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के घर से बाहर चला आया। उस रात को काफ़ी समय तक शेखर पागलों की बात बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा, फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह सीधी साधी ललिता इतनी बातें कहाँ से सीख आई, यह निर्लज्जता की बातें उसे कहाँ से कहनी आ गई, इतना साहस, गजब का साहस, आखिर यह सब कहाँ से। ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध तथा आश्चर्य दोनों हो रहे थे, परंतु वास्तव में यह शेखर की भूल थी, यदि वह तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और कमी पर अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था, वह बेचारी और कह ही क्या सकती थी, इधर कई महीने
महीने से ललिता से अलग रहकर शेखर ने भांति भांति की कल्पनाएं की थी। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वह कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता और कभी लाभ हानि के विचारों में पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है। शेखर का यह भी अनुमान था कि उसके बिना जी सकना भी कितना कठिन एवं दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उसके परिवार में घुली मिली थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक न हो जाए, कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इसी प्रकार की दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर ने परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे वाली माला डालकर एक बंधन लगा दिया था। परदेश में गुरुचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि ललिता शायद अब उसकी न रह पाए। आराम हो या तकलीफ, वह उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आज वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थी, उनमें घुमाव हो गया था। परंतु शेखर न समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेयस्कर है। पहले उसे दुख हुआ था कि कहीं ललिता उसे दूर न चली जाए, परंतु अब यह परेशानी थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ न छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय चाहते थे वे लोग न दे सके। शेखर की माँ को भी यह रिश्ता नहीं जचा था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूटा, मगर नवीन राय 10-20 हजार मारने की फिक्र में अब भी थे, इसीलिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचारता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वह इतना धन रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से यह विश्वास कर लेगी कि उसका पाणिग्रहण हो चुका है और अक्षय संबंध स्थापित हो चुका है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता अब जो होना था हो चुका, इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता, ना तुम अलग हो सकती हो और ना मैं छूट सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करने सोचने की क्षमता उस समय ना थी और ना उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय सर पर चांद मुस्कुरा रहा था, चांदी के रुपए हेली आवट छिड़क रही थी। ऐसे समय उसने अपनी प्रियतमा ललिता के गले में माला डाल दी थी। उसे अपने वक्ष स्थल से लगा प्रेम संसार में वे दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव ना था। पैसे के लोभी बाप का रुद्र चेहरा भी उसकी आंखों से ओझल था। उसे याद था कि माँ ललिता को प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी कर सकना कठिन ना होगा। इसी तरह वह भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना ही लेगा। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार हो ही जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी न सोचता था कि गुरुचरण बाबू अपना यह सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे। विधाता ही इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा भी ख्याल उसे न था। ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने यह एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। माँ भी अब शायद इस कार्य के लिए न राजी होंगी। उसे अब कोई मार्ग न सूझ पड़ता था। ओह, फिर क्या किया जाए, यह कहकर शेखर ने गहरी सांस ली। ललिता को वह भली बात जानता था, उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई थी। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझकर फिर उसका त्याग न किया। वह जानती है कि वह शेखर की एकमात्र धर्म पत्नी है, इसीलिए आज संध्या समय अंधेरे में निसंकोच वह शेखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत किरीन के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी न कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा। यह सोचकर शेखर की आंखों में आग प्रज्वलित हो गई। उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर सोचने लगा कि मैं
माला पहनाकर ही वह चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्षस्थल से लगाकर उसने उसके अधरों की सुधा रस का भी पान किया। ललिता ने किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली। इस कार्य में वह अपने को दोषी न समझती थी, इसीलिए उसे कोई हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अपना धर्मपति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी तथा व्यवहार को कैसे किसी को बताएगा? किसी के सामने वह मुंह भी न दिखा सकेगा। वास्तव में बात यह थी कि माँ बाप की राय बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था, इसमें जरा भी शक नहीं था। परंतु जब गिरीन्द्र के साथ ललिता की शादी ना होने का कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वह घर के बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? तो ये था परिणीता का तीसरा भाग। चौथे भाग के लिए हम लोग आगे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा ललिता का और शेखर का। क्या ललिता की शादी गिरीन्द्र के साथ हो जाएगी या फिर वो शेखर की प्रतीक्षा करेगी? शेखर ललिता को अपनाएगा या नहीं? और सबसे बड़ी बाधा, शेखर के पिता नवीन राय, जिन्हें दहेज में बहुत सारा रुपया चाहिए, क्या वो ललिता को, जो एक गरीब अनाथ बालिका है, उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? और क्या गुरुचरण बाबू के अपना धर्म छोड़ के ब्रह्म समाजी बन जाने के बाद शेखर की माँ ललिता को अपनाएंगी? और क्या ललिता और उसका परिवार कलकत्ता में ही निवास करेगा या वो लोग गिरीन्द्र के साथ मुंगेर उसके घर चले जाएंगे? तो ये सब हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे धारावाहिक परिणीता के अगले आगे के अंकों में। तो अभी विदा, फिर अगले भाग में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।